हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। सो आई डोंट नो अगर आप गेस कर पाओगे कि मैं कहाँ हूँ कि नहीं। काफ़ी लोग तो कर पाओगे, मुझे पता है। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जानने के लिए कि मैं गार्डनिंग के लिए कहाँ से क्या लेती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। सो मैं आई हूँ गोला डायरी। ये है काजल नर्सरी। मैं हमेशा यहीं से बीज लेती हूँ, प्लांट्स लेती हूँ। इनफैक्ट अपने गमले के लिए जो मुझे खाद चाहिए वो भी मैं यहीं दीदी से लेती हूँ। तो कभी इनके पास अगर कोई बीज नहीं मिलता है तब मैं सामने से बीज खरीद के चली जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको एक टूर देती हूँ जिस नर्सरी से मैं ज़्यादातर काम लेती हूँ। अभी विंटर्स आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी फूलों के लगा रखे हैं। तो ये है वो खाद का पैकेट जो मैं लेके जाती हूँ। ये 5 किलो का पैकेट है, करीब 50 रुपए का पड़ता है। और देखते हैं आज क्या नए पौधे आए हैं दीदी के पास। देखिए कितने तरह तरह के प्लांट्स हैं, गमले हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब तो गमले भी रखने लगे हैं। ये देखिए क्यूट से प्लांटर्स के लिए छोटे छोटे घर के अंदर। ये चाहिए मुझे मनी प्लांट के लिए, पर अब लगेगा कि नहीं पता नहीं। मिट्टी के गमले भी हैं। तो ये देखिए आजकल अगर आप प्लास्टिक में प्रेफर करते हैं उस तरह के भी काफी गमले हैं। अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि मिट्टी का जो है ना वो झरने लगता है तो मुझे कम पसंद है। सीमेंट बहुत हैवी हो जाता है हिलाने के लिए, तो ये ठीक लगते हैं और लॉन्गर रन। ये बहुत चल रहा है आजकल हैंगिंग वाला। और ये देखो इसके पत्ते देखो कितने अलग हैं। आई मीन सरप्राइज नहीं, ऊपर वाला देखो पत्तों में कैसे डिज़ाइन बना हुआ है। वाह, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बीज मिले नहीं, कभी मिलते भी नहीं है। ज़्यादातर प्लांट्स अच्छे मिलते हैं और मैं अपने गमले मिट्टी खाद यहीं से लेती हूँ क्योंकि बहुत रीज़नेबल रेट्स में बीज दे देते हैं। सामने बहुत एक्सपेंसिव देता है वो, बट मैं उससे सिर्फ बीज लेती हूँ। तो चले अब देखती हूँ क्या बीज, हालांकि खूब सारे बीज हैं घर पे पर फिर भी देखते हैं क्या ले सकते हैं। तो गोला डेयरी लिटरली एक द्वारका के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर खूब सारे गाय और भैंस आपको मिलते हैं। हमारे दूध वाले भैया भी भैंस का दूध यहीं कहीं से निकाल के हमें ला के देते हैं। तो ये देखिए कुछ बीज के पैकेट लिए मैंने, स्ट्रॉबेरी पता नहीं उगेगी कि नहीं पर ले लिए, स्ट्रॉबेरी, लेटस, मेथी, यहाँ पे रेड कैप्सिकम और पार्सले। घर पे भी मेरे पास 7-8 पैकेट रखे हैं बीज के। तो अब हालांकि लेट है क्योंकि बारिश आ गई थी इसलिए बीज बोए नहीं थे। तो अब नवरात्रों के आसपास ये सारा काम मैं शुरू करूँगी बीज बोने का, और विंटर्स में वेट करेंगे कि ये उगे और हम इंजॉय करें घर के उगे हुए पौधों के सब्जियाँ। तो ये रहे मेरे आज की शॉपिंग। मैंने ये देखिए लगवा भी लिए हैं गमलों में खाद के साथ, टमाटर, मेथी, काफ़ी बीज है जो मैं लेके जा रही हूँ और घर पे है बाकी गमलों में। ये मुझे बहुत ही बेहद अच्छा लगा। 550 दिया है इसका, पर बहुत ही अच्छा और स्टर्डी है ये, और आगे भी गाड़ी भरी हुई है गमलों से। सो ये है हमारी तैयारी विंटर्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चटोरी रजनी।